ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा 31 जुलाई तक ही पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके कार्यकाल विस्तार को अवैध करार दे दिया है। उनका कार्यकाल 18 नवंबर को खत्म हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 110 दिन घटा दिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इनको फर्दर एक्सटेंशन नहीं देना है, उसके बावजूद भी इन्हें एक्सटेंशन दिया गया। उसको जब डॉक्टर जय ठाकुर ने चैलेंज किया ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ रिट पिटीशन, उसके बाद भी फिर एक फर्दर एक्सटेंशन दिया गया। आज उन दोनों एक्सटेंशन ऑर्डर को इलीगल कहा है, अगेंस्ट द लॉ कहा है। ये ऐतिहासिक कदम है। मगर 31 जुलाई तक के लिए संजय कुमार मिश्रा के लिए रिस्ट्रेन किया है कि आप फर्दर नहीं रहेंगे, सिर्फ 31 जुलाई तक आप काम करते रहेंगे। वो भी इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट के लिए 15 दिन का टाइम दिया हुआ है कि आप ईडी डायरेक्टर की नियुक्ति आप कर लें 15 दिन के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि संजय मिश्रा का नवंबर 2021 और नवंबर 2022 में किया गया सेवा विस्तार अवैध था। पीएम, नेता विपक्ष और सीजीआई की कमेटी की मंजूरी से ही ये विस्तार दिया जा सकता था। सरकार की मनमर्जी नहीं चल सकती। हालांकि केंद्र के लिए राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल में 5 साल के विस्तार को लेकर कानून में संशोधन को वैध ठहरा दिया। अदालत ने कहा कि विधायिका कानून में संशोधन ला सकती है। हालांकि दलीलों में केंद्र सरकार ने याचिकाओं का पुरजोर विरोध किया था और कहा था ये कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियों के नेताओं से जुड़ी याचिकाएं हैं, जिनके बड़े नेता जांच एजेंसियों के मामलों में फंसे हैं, इसलिए इनकी सुनवाई ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को दरकिनार रख दिया और नियुक्ति को सीधे सीधे अवैध करार दे दिया। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।